हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी एजु हब ऑनलाइन क्लासेज क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 8th, द सेल। कोशिका के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर सामान्य जो परिचय है उसका, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम प्रोकैरियोट सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसको असीम केंद्र की, असीम केंद्र की कोशिका भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसमें प्रोकैरियोटिक जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक प्रो है और एक है कारियोन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कारियोन का मतलब है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का मतलब आध या प्रारंभिक, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, यानी कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर आद या प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उस कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की कोशिका। यहां से आद या प्रारंभिक का मतलब यह होता है जो केंद्रक होता है इस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली ये नहीं पाई जाती। साथ ही धोरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं, धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग वो भी इसमें नहीं पाए जाते। तो परिभाषा के तौर पर हम यहां बोल सकते हैं ऐसी कोशिका जिसके अंदर अविकसित प्रकार का केंद्रक, अविकसित या फिर आद या प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, या केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी इसमें नहीं पाए जाते, ऐसी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जैसे जीवाणु कोशिका, माइकोप्लाज्मा, PPLO, इसका मतलब होता है प्लूरो निमोनिया समजीव, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा नीलहरित शैवाल, आदि जो कोशिकाएं होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इनमें आनुवंशिक जो पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ वो जीवाणुवीय जीवाणुवीय यानी कि जीवाणु पाए जाने वाला जो गुणसूत्र होता है उसके रूप में पाया जाता है। इसी के साथ आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर जो झिल्ली हो ये झिल्ली नहीं पाई जाती, इसकी वजह से आनुवंशिक पदार्थ जो है वो कोशिका के अंदर कोशिका में बिखरा हुआ पाया जाता है। यानी कि सुगठित नहीं होता है। सुसंगठित नहीं होता, ये बिखरा हुआ पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन यानी कि आनुवंशिक पदार्थ जो होता है इसका सामान्य अवस्था में इसका जो निर्माण होता है
वो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इससे मिलकर होता है। लेकिन कोशिका प्रोकैरियोट है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ अनुवांशिक पदार्थ के रूप में न्यूक्लिक अम्ल ही पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए या फिर आरएनए। इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, जिसमें नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त इसमें सूत्री जो विभाजन होता है, सूत्री विभाजन, वो भी नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। अब यहां पर प्रोकैरियोट जो कोशिका होती है उसमें जीवाणु जो कोशिका है उसका डायग्राम हम समझेंगे। जीवाणु कोशिका का जो चित्र है उसमें प्रोकैरियोट कोशिका को पूर्ण रूपेण हम यहां पर समझ सकते हैं। यह धोरी तिहरे झिल्ली युक्त होती है, बना सकते हैं हम यहां पे। ये वाला जो पार्ट है इसमें, ये फ्लैजिला कसाबी का, ये कसाबी का होता है। इसमें डीएनए जो होता है वो सुसंगठित प्रकार का नहीं होता, वैसे बिखरा हुआ पाया जाता है, जिसके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, बोले डीएनए या फिर इसको आनुवंशिक पदार्थ। बाह्य की ओर पाए जाने वाली जो झिल्ली है इसको कैप्सूल बोलते हैं। संपुट, सेकेंड सेल वॉल, थर्ड सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव के अंदर ही डीएनए आनुवंशिक पदार्थ जो है वो बिखरा हुआ पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें राइबोसोम, जिसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें हेयर भी या रोम जिनको बोल सकते हैं, वाली संरचना जो है ये रॉम इसमें उपस्थित होती है। डीएनए या जो आनुवंशिक पदार्थ इसमें जो पाया जाता है ये वर्तुल डीएनए के रूप में होता है, वर्तुल डीएनए। इसके अतिरिक्त इसके अंदर वर्तुल डीएनए का खंड पाया जाता है, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, ये प्लाज्मिड कहलाता है। राइबोसोम जो होता है इसमें वो सिर्फ एक प्रकार का होता है, 70S प्रकार का, 70S प्रकार का होता है, जिसकी दो उपइकाइयां होती हैं। सब यूनिट्स, फर्स्ट है जो कि बड़ी होती है और सेकेंड ये छोटी होती है, बड़ी वाली 50S और छोटी वाली 30S। इस प्रकार ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम हो गया, जो कि जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोकैरियोट कोशिका जो है वो कौन से जगत के अंदर पाई जाती है, तो मुख्य रूप से इसमें मोनेरा जगत,
मोनेरा जो जगत होता है इसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं वो जिसमें एक्टिनोमाइसिटीज साइनो जीवाणु आर्की जीवाणु माइकोप्लाज्मा आदि। इस प्रकार से प्रोकैरियोट कोशिका जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर प्रोकैरियोट कोशिका के बाह्य जो आवरण है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।